कहा जाता है कि किस्मत की लकीरें हाथों में होती हैं, लेकिन जिनके हाथ नहीं हैं वो क्या करें। लेकिन यहाँ तो दोनों हाथ कट गए। लोगों ने बहुत कुछ कहा लेकिन वो भी जिंदगी रही, बहुत अच्छा लगा। परेशान ना होइए, हम लोग हैं आपके साथ। एकदम परेशान ना होइए। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस मनोज दे। दोस्तों बता दूं, आज मैं हूं खान सर के साथ, जो भी पहचान के मोहताज तो नहीं है, और इन्होंने मुझे जो अपना कीमती समय दिया है मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। जितेंद्र के हाथ नहीं है, और जितेंद्र एक जाने माने पत्रकार हैं जो एक्सप्रेस नाम से यूट्यूब चैनल फेसबुक पे चलाते हैं। लालू जी के सुपुत्र हैं और एक अलग मिसाल है ये, और एक अलग मतलब कार्य किया है। आज हमारे बीच में है सन ऑफ बिहार के नाम से जाने वाले, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर किसी शख्सियत से मिलना है तो मनी मेराशी से भी मिलना पड़ेगा। जबरदस्त इनके सब्सक्राइबर हैं, प्यार करने वालों की संख्या इनकी खूब ज्यादा है। देश भर के तमाम पत्रकार, देश भर के तमाम मीडिया इन्हें खूब सराहते हैं, खूब प्यार करते हैं, लोगों के ये इंटरव्यू करते हैं, और लोगों को इनसे बहुत प्यार है, और जिन लोगों का ये इंटरव्यू करते हैं वो भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। मैं इनका खुद जबरदस्त मुरीद हूँ, फैन हूँ, इनके वीडियोस देखता हूँ। आज हमारे स्टूडियो में ये आए हैं और मैंने सोचा कि अगर स्टूडियो में आए हैं तो जितेंद्र जी का इंटरव्यू किया जाए, क्योंकि जिस तरह से ये दिव्यांग हैं और दिव्यांग होने के बाद भी इतने प्रतिभा के धनी हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। हाथ नहीं है तो क्या हुआ, किस्मत की लकीर बगैर हाथों के लिख देंगे और उसके बल पे एक साल के अंदर अपने खूब सारे सब्सक्राइबर बनाएंगे, खूब सारे लोग बनाएंगे और पैसा भी बना रहे हैं। जितेंद्र भाई से पूछेंगे कितना पैसा कमाते हैं, और दूसरा ये भी पूछेंगे किसका किसका इंटरव्यू किया और कैसे इनकी शुरुआत हुई ये भी बताएंगे। पहले जितेंद्र भाई आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपने चैनल पे रखा जितेंद्र दिव्यांग को। हाँ। और अच्छा लगा कि आप अपने चैनल पे जितेंद्र को रखें। हाँ। लोग कहते हैं कि भारत का इकलौता पत्रकार है, तो ये लोगों का थिंकिंग बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जिस तरह आप जैसे लोग परख के, लोग कहते हैं ना कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होता है, तो आप जैसे जौहरी लोग हमको भी निखेरते हैं। आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। जितेंद्र जी, मैं कोई जौहरी नहीं हूँ, लेकिन आप हीरा हैं और आपकी परख पूरी दुनिया जानती है, आपको देख रही है दुनिया, दुनिया वाले आपको देखते हैं कि किस तरह से एक लड़का जो जिसके पास हाथ नहीं है, लोग समझते हैं कि जिनके पास हाथ नहीं है उनके पास किस्मत ही नहीं, लकीरें नहीं, लेकिन आप तो शानदार किस्मत बना रहे हैं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, कैसे शुरू की पत्रकारिता की ये जर्नी। हाँ, पत्रकारिता देखिए, आईने के सामने सभी अपने आप को हीरो देखते हैं। हाँ। और आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, और सभी लोग चाहते हैं। हाँ। कि मैं हीरो बनूं। हाँ। तो जितेंद्र क्यों नहीं। हाँ। अरे हाथ ना हुआ तो क्या हुआ। हाँ। हाथ ना हुआ तो क्या हुआ। हाँ। लेकिन जज्बा तो है, उस जज्बा ने मुझे ऐसा घेरा ताकि बेटा उठो। हाँ। ऐसा कार्य करो कि सभी लोग इतिहास लिखे, तुम भूगोल लिखो। वाह, क्या बात कही आपने, शानदार, जबरदस्त। तो सच्चाई है कि सभी लोग इतिहास लिखे हैं, और इतिहास सही है कि गलत ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन भूगोल एकदम करेक्ट सही होता है। जितेंद्र कह रहे हैं ये भूगोल लिखेंगे, और इन्होंने एक बड़ी शानदार बात कही है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो आईने के सामने होता है तो खुद को हीरो समझता है, और हीरो जितेंद्र क्यों ना अपने आप को समझे। हाथ नहीं है तो क्या हुआ भाई, हम हीरो तब भी बनेंगे। और आप अगर जितेंद्र को मेरे साथ तो देख रहे हैं, लेकिन इनके चैनल पे जाके जोश एक्सप्रेस पे विजिट कीजिएगा, कितने ज्यादा फॉलोअर हैं, बाप रे बाप, उसके बाद से, और उसको लोग देखते हैं जबरदस्त तरीके से देखते हैं। जितेंद्र जी, कभी ऐसा हुआ कि हाथ नहीं है आपके पास, लोग कह रहे हैं अरे मजाक उड़ाते हैं, होता है? नहीं, देखिए सच्चाई है कि ये लोगों की थिंकिंग होती है, मजाक उड़ाना चाहिए। मैं तुम मुझे मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। एक आध बार हुआ भी, कब हुआ, जब हाथ कट गया तब हुआ। चूंकि मैं माँ बाप को दोष नहीं दे सकता कि माँ बाप ने मुझे इस तरह से पैदा किया, मैं माँ बाप का तवीन होते हुए कभी नहीं देख सकता। दूसरी चीज़, हाथ कट गया तो लोग मजाक उड़ाते थे कि क्या करोगे क्या करोगे, लेकिन मैं बता दूँ सर कि उन्हीं लोगों ने, जब जब लोगों ने जितेंद्र को चैलेंज किया, तब तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया। लोगों ने कह दिया बेटा हाथ कट गया, तुम कभी जिंदगी में लिख नहीं पाओगे, इसी हाथों से लिखकर मैंने ग्रेजुएशन टॉप कर डाला। लोगों ने कह दिया बेटा तुम जिंदगी में कभी साइकिल नहीं चला पाओगे, मैंने इसी हाथों से साइकिल रेसिंग टॉप कर डाला। लोगों ने कह दिया तुम जितेंद्र कभी कंप्यूटर नहीं चला पाएगा, मैंने कंप्यूटर टॉप कर डाला सर। तो लोगों का सबसे बुरा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। अगर ये दिमाग में से जिस दिन हट जाएगा, वाकई
मजा आएगा जिंदगी जीने में। आज जितेंद्र जिंदगी काटने के लिए नहीं जिंदगी पाया है, जिंदगी जीने के लिए पाया, और शौक से जिंदगी में जीना चाहता हूँ। हाथ नहीं हो तो क्या होगा, शौक से बहुत जिंदगी जीता हूँ। और पत्रकारिता, जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया कि पत्रकारिता लाइन आपने कब, तो मात्र 1 से 1.5 साल हुए, और पत्रकारिता लाइन में जोश एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पहले बना और फेसबुक बना, तो मुझे भी नहीं पता था कि इतने कम समय में इतने लोग मेरे चाहने वाले हो जाएंगे। कभी कभी होता है ना कि अरे यार आपको कौन देखेगा, मैं खुद नहीं, लेकिन अब बाद में पता चला कि बहुत बड़े बड़े जो अपने आप को बहुत बड़ा एंकर समझता वो मेरा वीडियो देखता है। अच्छा जितेंद्र जी ये बताइए, इस दुखद घड़ी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे हाथ दोनों कट गया? हाँ सही आपने कहा, क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, इस तरह से कि सभी लोग जानना भी चाहते हैं कि जितेंद्र के हाथ कैसे गए, क्योंकि प्रेजेंट में मैं जो दिखता हूँ तो लोगों को लगता है, लेकिन अतीत होता है, कोई माँ के पेट से नहीं ऐसा पैदा होता है। और जैसे बताया, दुर्घटना और घटना किसी के साथ हो सकता है। बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था, पापा मम्मी थे हमारे दो, हम लोग दो भाई एक बहन हुआ करते थे। 2004 में 28 अप्रैल, आज भी कैलेंडर उठा के देखेंगे, 28 अप्रैल 2004 दिन बुधवार समय 2:30 बजे 11,000 की बिजली के चपेट में आने से मैंने दोनों हाथ गंवा दिए। बड़ा दुखद समय रहा होगा, फिर उसके बाद से क्या हुआ? दुखद रहा, जब किसी का एक उंगली कट जाता है तो हालत ख़राब हो जाता है, लेकिन यहाँ तो दोनों हाथ कट गए। लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन वो भी जिंदगी रही, बहुत अच्छा लगा। परेशान ना हुई, हम लोग हैं आपके साथ, एकदम परेशान ना हुई। वो पल भी था बहुत गजब था कि माँ बाप को कलंक हो गया कि मैंने बेटा दो पैदा किए, एक का हाथ कट गया और एक मेरा भाई था कि जो मेरा क्रियाक्रम मेरे जीवन का एक अगर देखा जाए तो अंग था, तो वो भी एक सत्र बाद एक्सीडेंट करके एक्सपायर कर जाता है। अब मैं अकेला पड़ जाता हूँ, माँ बाप भी बहुत काफ़ी टूट जाते हैं, और टूटने के बाद कोई सहारा भी नहीं होता है, कौन होगा, कौन बनेगा सहारा, कोई नहीं। माँ बाप को मैं दोष भी नहीं दे सकता कि इस तरह से हुआ, लेकिन जैसे भी रहा मैंने फिर से जीवन यापन चालू किया, और जीवन यापन चालू करने के उपरांत बहुत काफ़ी समस्याओं का मतलब सामना करना पड़ा, लोगों का सुनना, समाज का सुनना, घर से बाहर निकलना क्या है कैसे है, दिमाग में बहुत खुराफात हुआ करता था लोगों को, लोग ये नहीं समझते थे कि आगे चल के मतलब इस तरह से, आज वही लोग एक सेल्फी के लिए तरसते हैं। क्या बात कही आपने, अपने दम पे मुकाम बनाया सेल्फी कराने जी, आज वही लोग कहते हैं कि एक बार मिल जाता, मेरे गांव का है, मेरे ज़िले का है, मेरे प्रदेश का है, आज वही लोग कहते हैं। नहीं तो एक ज़माना हुआ करता था कि मैं साइकिल से गिर जाता था तो कोई उठाने वाला नहीं होता था, तो वो भी एक समय था सर, और आज भी समय है, और मैंने खुद अपने दम पे बदला है, किसी का झंडा डंडा नहीं है, जितेंद्र की खुद की पहचान है, और खुद मैंने किया है और दिखा दिया लोगों को कि लो देख लो कि हकीकत ज़िंदगी होती क्या, जहाँ लोगों की ज़िंदगी ख़त्म होती है वहाँ से जितेंद्र की ज़िंदगी शुरुआत होती है, और मैंने शुरुआत किया सर, और आप आज आप लोग के बीच में हूँ, और बहुत कम समय में जो मैंने दक्षता हासिल की है आज मुझे एहसास होता है, जहाँ जाता हूँ जिधर जाता हूँ उधर 10 लोग मिल जाते हैं, तो मैंने कितना कमाई, तमाम एंकरों से आपने मुलाकात, हाँ तमाम एंकरों से, कोई हमसे रवीश कुमार हो चाहे अंजना कश्यप हो चाहे प्रज्ञा मिश्रा हो चाहे कोई हो, सबसे मैंने मुलाकात की, और ये लोग सभी लोग मेरा वीडियो देखते थे, मुझे पता नहीं था कि क्या है कैसे है, ये लोग मेरा वीडियो देखते थे और फ़ोन करके बुलाए, जब अंजना ओम कश्यप का मैंने अपॉइंटमेंट कॉल कर दिया और प्रज्ञा मिश्रा का अपॉइंटमेंट लिया था, तो अंजना ओम कश्यप जी कहीं कि आप पहले देश के ऐसे हैं जो कि मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया, हम कहें कि एक ज़माना हुआ करता था कि जितेंद्र को दिखाने के लिए मैं चाहता था कि कोई चैनल आए तो दिखाता नहीं था, आज क्या ज़रूरत पड़ी है, आज जितेंद्र में इतनी ताकत है कि खुद को अपने आप साबित कर सकता है कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ और क्या कर सकता हूँ,
तो ये सब सारी बातें रही और अच्छा भी लगा। मुझे भी नहीं पता था कि ये लोग मुझे बुलाएंगे या फिर अपने चैनल पे रखा गया। हम आप जैसे लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लेकिन जितने इंटरनेशनल लेवल के हैं मैं उनसे मिलना नहीं पसंद करता। ये हमारी खासियत है, ना कभी मिलूंगा, देख लीजिए। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमसे मिल रहे हैं और हमसे बातें कर रहे हैं, हमको भी इंस्पायर कर रहे हैं, उन तमाम दर्शकों को इंस्पायर कर रहे हैं जो हो सकता है आपके देखने वाले लोग दिव्यांग हों शरीर से, या उनका भी एक हाथ ना हो तो वो भी अपने आप को कमजोर ना समझें। सर, और दिव्यांगता की बात नहीं है, मैं दिव्यांगों के लिए मैं स्पेशली नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनको भी कहता हूँ, मैं बता दूँ आपके चैनल के बारे में, मैं उनको भी कहता हूँ जो अपने आप को समझते हैं कि मैं हाथ पैर लेके, उनको बहुत काफ़ी घमंड है। लेकिन आज भी इस बेरोजगारी की दुनिया में देख लीजिए, लुप्त पड़े हुए हैं, मांग रहे हैं कि कहाँ कहाँ सरकार को दोष दे रहे हैं कि सरकार में जो नौकरी नहीं, क्यों नहीं सरकार पे क्यों दोषी देते हैं, इतनी औकात है तो खुद दिखाइए ना, सब कुछ सरकार करेगा, आप बताइए सब कुछ सरकार ही करेगा। नौकरी पाना एक मतलब, मैं पढ़ा हूँ तो सिर्फ नौकरी के लिए थोड़ी पढ़ा हूँ कि मैं पढ़ने लगूंगा तो मैं बहुत बड़ा डीएम बन जाऊंगा। अच्छा आप बताइए, हमारे गांव के लोग भी, हमारे घर जवार के भी लोग कहते थे कि पढ़ के क्या करोगे, डीएम बनोगे, डीएम की औकात कितनी है बताइए ना। डीएम अगर मैं बन जाता तो जहां मैं डीएम होता और क्या होता है कि घर के लोग मुझे जानते, शायद आप भी मुझे नहीं जानते, लेकिन आज मुझे 120 देश जानता है। मान सम्मान शोहरत पैसा, यही तीन चीज़ चाहिए ना, जितेंद्र तीनों कमाता है, और खुद की पहचान है। दूसरी चीज, किसी ने कहा है कि बेटा कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो, जितेंद्र तीनों काम करने का प्रयास करता है और कर रहा है, चलता भी है, लिखता भी है और बोलता भी है। शानदार, इंस्पायर हो गया मैं आपसे, और वो तमाम लोग भी इंस्पायर हो रहे होंगे जितेंद्र से जो लोग इन्हें देख रहे हैं। हाथ नहीं है तो क्या हुआ, हीरो हैं, और हीरो है वो तमाम लोग जो इन्हें देखते हैं, वो हीरो हैं, किसी के मोहताज नहीं है। किसी को खाना मेरे साथ अभी खाए हैं, अपने हाथ से खाना खा रहे थे और किसी के मोहताज नहीं, कहा कि लिखने आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लिखना सिखा देंगे, लेकिन मेरे पास हाथ नहीं है, मैंने लिख के ग्रेजुएशन टॉप कर लिया। लोग साइकिल चलाना नहीं जानते थे, मैं साइकिल तक चलाया और मैं साइकिल की रेस जीता। लोगों के पास कुछ नहीं था, इनके पास बहुत कुछ है। कभी इन्होंने बताया कि कभी जो गांव के लोग इन्हें देखना नहीं पसंद करते थे, आज इनके साथ सेल्फी कराते हैं। जितेंद्र हमारे साथ बात करते हुए भावुक हो गए अपने उस पल को बताते हुए जिस पल में इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिस पल में ये एक तार के ऊपर चढ़े थे और एक 11,000 वोल्ट के हाथ में लग गया, उसके बाद इनका हाथ काटना पड़ गया। वाकई में इनके जज्बे को सलाम करने की ज़रूरत है, पूरे देश को ज़रूरत है। हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो हाथ होते हुए भी दोष देते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है, और इनके हाथ ही नहीं है तो लकीरें कहाँ से बनेंगी और किस्मत कहाँ से तय होगी। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, जिनके हाथ नहीं होते हैं, जिनकी लकीरें नहीं होती हैं, किस्मत उनके पास भी होती है और शानदार होती है, जितेंद्र जैसी होती है। जितेंद्र आप हमारे साथ बैठे बहुत अच्छा लगा हमें, हम खुद गर्वान्वित हैं कि हम आपके साथ बैठे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के साथ, देश के पहले दिव्यांग पत्रकार के साथ जो दिव्यांग होते हुए भी बहुत शानदार पत्रकारिता करते हैं, देश के तमाम मुद्दों को सामने लाते हैं। अच्छा, जाते जाते मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, लक्ष्य क्या है आपका, अगला लक्ष्य क्या है? नहीं देखिए, लक्ष्य बताया ना, पत्रकारिता को लेकर अगर देखा जाए सर, तो पत्रकारिता हमारे क्या होता है, चौथा स्तंभ है, ठीक है ना, संविधान का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ को अगर देखा जाए तो उसकी गरिमा को अगर हम बचाए रखते हैं तो ये अपने आप में हम है, उसकी गरिमा को धूमिल नहीं होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, जितेंद्र का अगर सर भी कलम हो जाए तो तकलीफ नहीं है, लेकिन पत्रकारिता की जो गरिमा होती है उसको बचा कर रखना। दूसरा लक्ष्य की जिसकी आप बात कर रहे हैं, लक्ष्य किसी चीज़ का लक्ष्य अंत नहीं होता, अनंत होता है, मरते दम तक मेरा कोई ना कोई लक्ष्य होगा जिसको हम कभी प्राप्त, लोग कहते हैं ना किसकी अगर देखा जाए तो किसकी मानसिकता कम हो गई, बताइए कोई है कहने वाला? जैसे अगर बात कर लिया जाए, मुझे कभी मैं 10 रुपये के लिए भटकता था, समझिए बात को, 10 रुपये का कीमत था, मैं जाता था स्कूल जाता था साइकिल से जाता था तो सोचता था यार खा जाऊँगा तो पंचर कैसे बनेगा, तो वो भी एक दौर था। फिर 100 रुपये कमाने लगा तो भी मुझे लगता यार कैसे कर पाऊँगा, ठीक है सर, तो कभी ख़त्म नहीं होती है लक्ष्य, किसी का ख़त्म नहीं होता। हाँ, उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि आप किस उद्देश्य से आप आए हैं। उद्देश्य मेरा यही है कि मैं इस भारत को फिर से वो सोने की चिड़िया देखना चाहता हूँ।
शानदार उद्देश्य है, भारत को जितेंद्र सोने की चिड़िया देखना चाहते हैं। और तमाम बड़ी बातें इन्होंने कही कि पत्रकारिता को मरते नहीं देखना चाहते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जिंदा देखना चाहते हैं, हमेशा जिंदा देखना चाहते हैं, पत्रकारिता के साथ मजाक नहीं खाते। शानदार उद्देश्य है जितेंद्र से मेरी ये मुलाकात। आपको कैसे लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और जितेंद्र का भी बेहद ख्याल रखिएगा। इन्हें देखते रहिएगा जोश एक्सप्रेस पे। बहुत धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।